सुंदरवन जंगल में टूनी अपनी माँ टुंटनी और अपने पिता चीचू के साथ रहती थी। टूनी का परिवार बहुत ही गरीब था। उसके माता पिता मजदूरी का काम करते थे। वे मजदूरी करके घर का खर्च चलाते थे। कुछ ही दिनों में दिवाली का त्योहार आने वाला था और इधर टूनी के माता पिता को कोई काम भी नहीं मिल रहा था। एक दिन टूनी अपनी माँ से कहती है, मम्मा दिवाली आने वाली है तो हमारे लिए पापा मिठाई और पटाखे लाएंगे ना। हमारी सारी सहेलियाँ नए कपड़े और मिठाइयाँ पटाखे लाएंगे। हमें भी लाना है ना माँ। मुझे भी दिए जलाना है। हम सब दिए जलाएंगे ना माँ। टूनी अपनी माँ से अपना सपना बता रही थी। टूनी की बात सुनकर उसकी माँ मन ही मन दुख हो जाती है और टूनी से कहती है, टूनी बेटा तुम जानती हो हम मजदूरी करके घर का खर्चा चलाते हैं। कुछ दिनों से हमें कोई काम भी नहीं मिल रहा। अगर कोई काम हमें मिल जाएगा तो हम तुम्हारे लिए पटाखे और मिठाइयाँ भी ले आएंगे, कुछ पैसे बचा के। टूनी अपनी माँ के बात को सुनकर नाराज हो जाती है और घर के पास एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। टुंटनी अपने घर के काम में लग जाती है। दिवाली आने में कुछ ही दिन बाकी थे। टूनी उदास होकर नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। उसी समय दो चिड़िया खेलती हुई नदी के पास आते हैं। एक चिड़िया टूनी के पास आती है और टूनी से कहती है, टूनी तुम अकेले क्यों बैठी हुई हो? तुम चाहो तो हमारे साथ भी खेल सकती हो। नहीं, मैं तुम्हारे साथ कैसे खेल सकती हूँ? तुम अमीर परिवार से हो और मैं गरीब परिवार से हूँ। अगर मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी तो तुम्हारे माता पिता तुझे डांटेंगे और मुझे भी बहुत डांटेंगे। नहीं, वो हमें नहीं डांटेंगे। तुम गरीब परिवार से हो, ऐसा नहीं डांटेंगे। अगर गरीब पक्षी भी मेहनत करे तो वो भी अमीर बन जाएगा। चुलबुली के बात को सुनकर टूनी सोचने लगती है और चुलबुल के साथ टूनी खेलने लगती है। खेल खेल में ही चुलबुल के साथ टूनी की दोस्ती हो जाती है और चुलबुल टूनी को दिवाली में अपने यहाँ घर को बुलाती है। टूनी बहुत ही खुश हो जाती है। टूनी घर को पहुंचकर चुलबुली के बारे में सारी बात अपनी माँ टुंटनी को बताती है और कहती है, मम्मा मुझे दीपावली में चुलबुली ने बुलाया है तो क्या मैं जा सकती हूँ मम्मा? क्या तुम वहाँ पे जाओगी? नहीं, हम गरीब लोग हैं और वो चुलबुल अमीर है। अगर तुम वहाँ पे जाओगी तो उसके माता पिता तुम्हें बहुत ही डांटेंगे और वहाँ से भगा देंगे। टुंटुनी बहुत ही टूनी चिड़िया को समझाती है, फिर भी टूनी चिड़िया नहीं मानती है। चुलबुली ने मुझे बुलाया है तो मैं जाऊंगी जाऊंगी जाऊंगी। अच्छा ठीक है, तुम चले जाना। दिवाली के दिन टूनी चुलबुल के घर को जाती है। चुलबुल भी देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। माँ देखो ये मेरी दोस्त टूनी है। चुलबुली के माता और पिता को यह अच्छा नहीं लगता था कि कोई गरीब परिवार के साथ उसकी बेटी कोई दोस्ती करे। चुलबुल के पिता चुलबुल को साइड में ले जाते हैं और उससे कहते हैं, चुलबुल तुम्हें कितनी बार बताया हूँ कि गरीब पक्षियों से दोस्ती मत किया करो। तुम इन पक्षियों को नहीं जानती बेटी। ये पहले अमीर पक्षी से दोस्ती करेंगे, फिर उनके घर चोरी करेंगे। टूनी चुलबुल के पिता के बातों को सुन लेती है और वह बहुत उदास हो जाती है और उसे अपनी मम्मा के बातें का याद आती है और टूनी चुलबुल के घर से चली जाती है और दूर खड़ी होकर आसमान में फूट रहे पटाखे को देखने लगती है। इधर चुलबुल भी अपने माता पिता को कुछ नहीं कह पाई और चुलबुल घर से बाहर आती है और पटाखे को फोड़ने लगती है। तभी चुलबुल के पास कहीं से एक मिसाइल आ जाती है और चुलबुल के पेड़ के नीचे पड़ जाती है। तभी टूनी चिड़िया दौड़कर चुलबुल को हटाती है। तभी पटाखे फूटने लगते हैं और टूनी चिड़िया बहुत ही ज़्यादा घायल हो जाती है। पटाखों की आवाज़ सुनकर चुलबुल के माता पिता घर से बाहर आते हैं। चुलबुल मेरी बच्ची तुझे तो कुछ हुआ नहीं ना मेरा बेटा? नहीं पिताजी मुझे कुछ नहीं हुआ है। अगर आज टूनी नहीं होती तो मैं शायद इस दुनिया में नहीं होती। मुझे टूनी ने ही बचाया है। चुलबुल के पिता टूनी के तरफ देखते हैं और टूनी से कहते हैं, टूनी बेटा
तुझे मैंने भगा दिया था, फिर भी तुमने चुलबुल की जान बचाई है। चुलबुल मेरा दोस्त है, उसे बचाना मेरा फर्ज है। तुम्हें कितना चोट आई है बेटा, चलो अंदर चलो, मैं तुम्हारा अभी पट्टी कर देता हूँ। फिर अंदर जाकर चुलबुल के पिता टूनी का पट्टी कर देते हैं। चुलबुल के माता पिता टूनी को बहुत सारी मिठाइयाँ और कपड़े और पटाखे देते हैं। टूनी चिड़िया बहुत ही खुश हो जाती है और उसे ले जाकर अपनी माँ को बताती है। उसके माता पिता भी बहुत ही खुश हो जाते हैं। ये टूनी की पहली दिवाली थी जो इतनी धूमधाम से हुई और टूनी अपने माता पिता के साथ खूब अच्छे से दिवाली